ओम शांति। आप सभी को दिवाली मुबारक, भैया दूज मुबारक, सभी मुबारक। हम लोग पिछले बृहस्पतिवार चले थे मधुबन से, तो सभी जगह हम दिवाली मना रहे हैं। ORC जो दिल्ली में है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, वहाँ पर भी मनाई। फिर उसके बाद हम यहाँ आए इंदौर, वहाँ भी मनाई हैं। आज भी आपके साथ भैया दूज मनाएंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत उमंग उत्साह, बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। ये त्यौहार बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इस त्यौहार में पवित्रता का संबंध, भाईचारे का संबंध, दिवाली सबको इकट्ठा करती है। दीपमाला, सबकी मालाएं इकट्ठी बनती हैं। और भैया दूज जहाँ पर इतने पवित्र संबंध का प्रतीक है, तो इसलिए ये विशेष बहुत अच्छे अच्छे, जिसको कहते हैं अच्छे शकुन, अच्छे ओमन्स का दिन होते हैं ये भारत में। विदेश में भी मनाते हैं, लेकिन इतना पब्लिक नहीं होती है जितनी यहाँ होती है। और सब जगह यहाँ सजावट होती है, दूसरा ही माहौल होता है। तो इस बार हमने दिवाली इंदौर जोन में मनाई, तो हमको बहुत खुशी हुई कि देखो कैसे बाबा के बच्चे खुशी में इतना अच्छा जीवन भी बनाया है, बना भी रहे हैं, और औरों को भी सुख दे रहे हैं। हम सब के लिए सच्ची दिवाली तो यही है, नहीं? बाबा आए हैं धरती पर और हम सब के जीवन को बदलाया। आप ऐसा महसूस करते हैं ना, किसने बदलाया हमारा जीवन? हाँ, भाग्यवान, सौभाग्यवान, कितने बाबा ने भाग्य दिए हैं हम बच्चों को, गिनती करें कम होते हैं। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया है बाबा ने। तो आज भी बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी, प्योरिटी की झलक फलक। मेन बाबा तो यही कहता है हमेशा, अपनी फाउंडेशन पवित्रता की रखो, अंदर दिल में किसी के लिए कोई भी मैल ना हो, सब मैल निकाल दो। निकाल दिए सभी ने? दिवाली मनाना मना, सफाई करना अंदर की, तो कुछ भी ना रहे, क्योंकि ये कलप का अंत है, नया युग शुरू होगा। तो आत्मा एकदम साफ, पवित्र, सुख शांति से भरपूर होकर के जाएगी। कुछ पुराना तो ले ही नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए बाबा के जो महावाक्य हैं, और सारी दुनिया में देख लो, कहीं पर भी पवित्रता पर इतना जोर नहीं दिया गया जितना बाबा ने हमको इसका रहस्य बताया है। ये पूंजी है, और यही एक कहते हैं ना, की है, कुंजी है, जो हमको स्वर्ग तक ले जाती है। और ये दुनिया जो इतनी गरीब, इतनी दुखी है, वो दुख भी ख़त्म करती है, ये पवित्रता की शक्ति। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, बाबा का बच्चे बनकर, स्टूडेंट बनकर, बाबा के वारिस बच्चे बनकर, बाबा से हम सब अधिकार ले रहे हैं। हाँ, कि कभी हम भिखारी नहीं बनेंगे। 84 जन्म हम क्या रहेंगे? अधिकारी आत्माएं। मतलब आपको खाना पीना मिलता रहेगा, क्योंकि अमृत वेला करते हैं। एक बार दादी गुलजार ने कहा था, अमृत वेला रोज़ करो, मुरली रोज़ पढ़ो, तो आपको सदा के लिए दाल रोटी मिलती रहेगी। कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि ओ मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं आएंगी। सब कुछ बाबा देता रहेगा, एक जन्म की भी बात नहीं। बाबा तो कहते हैं कि ये सारे जन्मों का कनेक्शन है इस जन्म से। यदि हम इस निश्चय से ये राजयोग सीखते हैं, तो बहुत फायदा मिलता है। और वैसे भी देखो, भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में हम मांगते थे, और ज्ञान में हम प्राप्ति की महसूसता करते हैं, अंतर आता है ना। भक्ति में जाकर के आरती करते थे, आह्वान करते थे, और यहाँ मिलन मनाते हैं, अंतर आता जाता है जीवन में भी। तो हम सब बाबा के बहुत 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 पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे हैं। तो अभी आपको हम थोड़ा सा
विदेश का भी समाचार सुनाएंगे, अपना अनुभव भी। तो अनुभव तो यही है कि हमने दादियों से भी पालना ली, और ब्रह्मा बाबा जब दिल्ली में रजौरी में आके रहते थे 1.5 महीना 2 महीना, तो हम लोग वहाँ के हैं। रजौरी गार्डन सेंटर है दिल्ली में, बहुत बड़ा, बाबा के टाइम का। वहाँ पर बाबा आते थे, ब्रह्मा बाबा मम्मा तो आकर रहते थे। तो हम लोग बच्चे थे, जैसे माँ अपने बच्चों को ले जाती है कि दृष्टि ले लो, तो हम लोग भी दृष्टि ली बाबा से। बाबा ने वरदान दिया, आप विश्व सेवा करेंगे, बाबा तो त्रिकालदर्शी है। और मम्मा मम्मा स्टेज पर थे, ऐसे शक्ति रूप में बैठे थे। हम छोटे छोटे थे, सामने जाकर एक एक जना जाके दृष्टि लेता था, मम्मा से टोली ली। वो वाइब्रेशंस बहुत याद है मुझे, कैसे माहौल, बहुत पवित्र माहौल। तो वो वाइब्रेशन बहुत अट्रैक्ट करते थे। फिर उसके बाद मैंने स्टडी की। फिर हमारी एक सुदेश दीदी हैं जो अभी ज्ञान सरोवर में रहते हैं, तो वो सुदेश दीदी ने हम लोगों को कोर्स कराया। हमारी मदर ने भी कोर्स 3 दिन का किया, उसको कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, तो वो बाबा की बच्ची बन गई। फिर मैंने देखा कि सुदेश दीदी ने, जैसे नहीं हम लोगों को ट्रेन करने के लिए हर शनिवार इतवार बुला लेती थी, हम लोग 11 साल के थे 12 साल के, कि ट्रेन हो जाओ आगे की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से सुदेश दीदी से भी ट्रेनिंग हमने ली। और फिर जब कॉलेज ख़त्म किया तो फिर मैंने सेंटर पर रहना शुरू किया। तो सेंटर पर क्या है कि हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है ना यहाँ 1 महीने की। वो ट्रेनिंग हमारी जो दिल्ली एक पांडव भवन है ना, बहुत बड़ा सेंटर, वहाँ दी गई थी। जगदीश भाई जी ने दी, दादी गुलजार ने, भाई साहब ब्रिजमोहन जी ने, सभी जो बड़े बड़े थे दिल्ली के, उन्होंने ट्रेनिंग दी। पहली ट्रेनिंग थी वहाँ पर पांडव भवन में, 40 कुमारियाँ थी सारे इंडिया से। तो फिर हम लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, वो तो चलो सुनो, लेकिन फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। फिर हम दादी गुलजार के साथ रहे 4 साल। तो दादी गुलजार से तो बहुत बहुत प्रेरणाएं मिली, क्योंकि दादी गुलजार बहुत शांत स्वभाव की, बहुत जेंटल, बहुत स्वीट, जैसे गुड़ होता है वो स्वीट दादी। जब भी हम लोग कुछ गलती करते थे, दादी प्यार से समझाती थी कि ये नहीं ऐसे करो। दादी हमेशा धारणा की हमको क्लासेस कराती थी। तो हम लोग देखते थे कि दादी के जीवन में बहुत न्यारापन है, प्यारापन है। एक बार मैं, बहुत सिंपल थी दादी, हम लोग, मैं खाना खिलाती थी दादी को, मेरी ड्यूटी थी लंच सर्व करना, सुबह शाम का नहीं, खाली लंच। मैं देखती थी कि दादी पूछती थी 2:30 बज गए, हाँ सबने खा लिया, हाँ, तो मैं सोचती थी दादी क्यों पूछती है सबने खा लिया। तो ये ब्रह्मा बाबा के टाइम से सब दादियाँ पूछती थी सब ने खा लिया, मतलब सब पहले संतुष्ट हो जाए खा के, फिर दादी या ब्रह्मा बाबा फिर खाते थे, कि सब कोई कंप्लेन नहीं करे हमको खाना नहीं मिला, सब खा लिया, सब संतुष्ट हो गए, फिर दादी आती हैं, बाबा आते थे खाना खाने। तो दादी भी ऐसे ही फॉलो करती थी। तो हमने देखा बहुत सिंपल टेबल चेयर पर आराम से आके बैठ जाती थी, कोई डिमांड नहीं, कंप्लेन नहीं, जैसा खाना दो, गर्म है ठंडा है नमक है नहीं है, खा लेती थी। लेकिन हमको दादी गुलजार की मदर हैं ऑलराउंडर दादी, उन्होंने ट्रेन किया था कि आपको सारा ठीक खाना खिलाना है। दादी नहीं नीचे आती थी अपनी स्थिति से, नीचे आए, ओ बहुत अच्छा है, ओ बहुत नमकीन है, ओ बहुत मीठा है, वो मन उधर इन्वॉल्व नहीं करती थी, वो ऑर्डिनरी नहीं बनती थी। जैसे कि न्यारेपन से खाना खाना, साक्षीपन से खाना खाना। एक बार बहुत अच्छे पकोड़े बने थे, मैंने कहा दादी थोड़े और डाल दूँ, हाँ दादी बहुत अच्छा बोलती है, इच्छा नहीं है, हाँ कितनी डिटैच हो करके दादी खाना खा रही है शरीर के लिए, लेकिन मन कहाँ है, बाबा के पास। हाँ तो ये हमने देखा प्रैक्टिकल, कितना होल्ड करना, इतना बाबा की याद को समाये रखना अपने अंदर, खाना खाते समय बात नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, कमेंट नहीं करना, बहुत बढ़िया स्थिति है। हाँ
तो ये एक तो अनुभव ये मैंने किया था। फिर हम लोग एक बार हांगकांग में थे, दादी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने कहा दादी आप ट्रेन से जाओगे कार से जाओगे कैसे जाना है, कहती हाँ हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। दादी ओपिनियन नहीं देती थी, कभी ओपिनियन नहीं देती थी, कभी भी पूछा आपका विचार क्या है, जैसे आप सबका है वैसे मैं करूँगी है। तो इतना मतलब दादी एडजस्ट कर लेती थी, चाहे आप कार में ले जाओगे चाहे ट्रेन से ले जाओगे मेरे को कोई हर्जा नहीं। दादी की एडजस्टमेंट पावर भी बहुत अच्छी थी। तो दादी गुलजार से हमने काफ़ी धारणा की बातें सीखी थी, 4 साल रहकर सेवा कैसे करनी है। दादी हम लोग कोर्स कराते थे ना, तो दादी हम जब स्टूडेंट को ले जाते थे, दादी गुलजार बड़े थे ना पांडव भवन के, तो मिलाते थे स्टूडेंट को, तो दादी कहती अच्छा कोर्स करा दिया फोर्स तो नहीं भरा। मैंने कहा दादी फोर्स क्या होता है, कहा 7 दिन के कोर्स के बाद स्टूडेंट को ये सिखाना है कि माया को जीतने का फोर्स पावर चाहिए, क्योंकि कोर्स माना नॉलेज, लेकिन सुस्ती आ जाए या कोई प्रकार के मन में नेगेटिव विचार आए उसको पार करना है उसको। तो दादी ने मेरे को ये सिखाया कि दूसरा 1-7 दिन का कोर्स कराओ जिसमें बताओ माया को कैसे जीतना है। तो आप सभी ने किया हुआ ये कोर्स, हाथ खड़ा करो जो माया को जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। अभी तो टाइम ऐसा आ चुका है नहीं, संगम युग पर माया आनी नहीं चाहिए, आती है तो दूर से ही उसको भगा दें। भगाते हैं ना आप सभी, पता चल जाता है माया आ रही है, पता चल जाता है। अच्छा, क्योंकि पता भी चले मीन्स परखने की शक्ति हो, क्योंकि माया भी अंत तक तंग करेगी हम सबको, तो इसलिए इसको परखते रहना है। तो दादी गुलजार के साथ ये अनुभव रहा। और फिर दीदी मनमोहिनी, जो हमारे दीदी थे ना मनमोहिनी, वो हमारे दिल्ली के इंचार्ज थे। तो दीदी तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। एक बार हम लोग ना, एक शशि बहन है ना मधुबन की, वो और मैं 6:15 बजे चले गए कंप्लेन करने किसी की एकोमोडेशन के बारे में। तो दीदी ने देखा हम कंप्लेन कर रहे हैं, दीदी कहती चलो निकलो यहाँ से। हमने कहा क्यों, कहा कंप्लेन नहीं करनी किसी की, पहले अपना चेहरा ठीक करके आओ, पहले साक्षी बनो, साक्षी रूप से आप बात बताओ, कंप्लेन के रूप से नहीं। मुझे वो दिन याद है, हम छोटे छोटे थे, दीदी ने कहा जाओ 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 बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को याद करो, अपनी फीलिंग्स को पहले ठीक करो, तब जाकर के आप साक्षी रूप से बताओ। समझे, कंप्लेन करना बहुत साधारण, लेकिन साक्षी रूप से क्या ठीक है क्या गलत है आप अपना विचार दे सकते हैं, लेकिन कंप्लेन माना क्या हो गया, किसी को ब्लेम करना कंप्लेन करना, ये बहुत जैसे दुख देना भी है सूक्ष्म रूप से किसी के लिए गलत बोलना। तो दीदी हमको ये छोटी छोटी बातें सिखाती थी दीदी मनमोहिनी, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत पावरफुल थी। जब वो दृष्टि देती थी ना, जिसके अंदर कोई अटैचमेंट है किसी के साथ उसको पता चल जाता था दृष्टि से। एक अंग्रेज बहन थी, दृष्टि ले रही थी, मैं साथ में बैठी थी, दीदी कहती है देखो तुमको अटैचमेंट है, कहाँ है, अच्छा तुम इसको ख़त्म करो। हाँ दीदी बहुत पावरफुल थी, आत्मा को कैसे उस दबाव से निकालना है वो उसको सिखाती थी, क्योंकि सभी विदेश के लोग दीदी से दृष्टि लेते थे ताकि आत्मा जो दब गई है विकारों में उससे निकले। तो दीदी मनमोहिनी जो थे हमारे बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनर थे, टीचर थे, बहुत तीव्र बुद्धि थी उनकी। फिर हम लोग रहे दादी जी का भी हमको आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा दादी जी का। दादी जी मधुबन में हमेशा रहते थे, आपको पता है जापान की सेवा दादी जी ने शुरू की थी, ब्रह्मा बाबा ने उनको भेजा था 1954
2004 में वो कोई निमंत्रण आया था कोई संस्था का कि शांति पर उनको स्पीच चाहिए, कोई स्पीकर भेजो जो शांति की बात करे। तो इनको निमंत्रण था, तो उन्होंने एक टिकट भेजी थी। तो ब्रह्मा बाबा ने सोचा मेरा एक बच्चा जाए, इससे अच्छा तो दो और भी जाएं, रतन मुनि दादी भी जाए और आनंद किशोर दादा। तो बाबा ने कहा एक टिकट आई है। तो ब्रह्मा बाबा जो थे ना बहुत होशियार थे, तो बाबा ने कहा मैं बच्चों को भेजूंगा लेकिन टिकट, उस समय पैसे तो नहीं थे ना, 1954 में बैगरी पार्ट था। तो बाबा ने एक बच्चा था वो ज्ञान में चला गया था, फिर आया था वापस, बिजनेस करता था। बाबा ने कहा बच्चे एक टिकट तुम दो। उस समय 10,000 रुपया तो बड़ी बात नहीं होती थी, है ना, लेकिन बहुत वैल्यू तो थी। लेकिन साथ में वो तीसरा, फिर बाबा ने सोचा किसको बोलूं, तो वो जो ट्रैवल एजेंट था ना उसको कहा तुम भी एक टिकट दे दो, हाँ, क्योंकि सेवा पर जा रहे हैं। ऐसे करके तीनों को भेजा। परंतु विशेष देखो कि जब दादी गई जापान में, बहुत अच्छे भाषण किए, त्याग तपस्या 15 दिन और एक साल भी हो गया रहते रहते, तो वहाँ से बाबा जो हैं मधुबन से रोज़ एक पत्र प्यार का लिखते थे। पता है क्यों? दादी ने कहा बाबा यहाँ पर खाने को नहीं मिलता है कुछ, क्योंकि लोग दूसरा खाना खाते हैं, तो हम तो भाई वेजिटेरियन हैं, तो चावल मिलता है और ना सब्जियाँ तो बहुत महंगी होती हैं, एक गोभी भी 225 रुपए की है, हैं, एक टमाटर भी 80 रुपए का है, कौन खरीदेगा, हम कहाँ खरीदेंगे भी इतना महंगा है। तो एक फल मिलता है बाबा, हम बस वही खा रहे हैं। तो बीमार हो गए ये लोग, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम ना ब्रेड भी खाया करो, तो मशीन की बनी हुई ब्रेड। तो दादी कहती है बाबा आप खाते हो? बाबा ने कहा मैं तो नहीं खाता हूँ। कहा आप नहीं खाते हो तो हम भी नहीं खाएं। मालूम है क्यों? कि देखो कभी कभी हम लूज हो जाते हैं अपने डिसिप्लिन में, संयम नियम में, ना, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा खा लो, कोई हर्जा नहीं है, हैं। लेकिन दादी ने कहा नहीं, मैंने नियम वो ही पालन करना जो हमारा बाबा करते हैं। नहीं खाई दादी ने, मशीन की बनी हुई भी नहीं खाई ब्रेड। बाबा आप नहीं खाते हो, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो बाबा ने उनको रोज एक प्यार का पत्र लिखा कि ये बच्चे कितने नियमी हैं, सहमी हैं, विदेश में जाकर के भी हैं नियम नहीं तोड़ा है। नहीं तो कई लोग चले जाते हैं दूसरे बन जाते हैं, हैं। यहाँ पर देखो उनकी त्याग तपस्या, तो ये दादियों ने करके दिखाया। फिर जब दादी ने ना एक बार 2.5 किलोमीटर रोज़ कहती चलना पड़ता था और जा कर के पर्चे बांटने होते थे, तो वो पर्चे बांटती थी। तो एक दुकानदार ने कहा दादी आपको क्या हेल्प करें? तो उन्होंने कहा हमको ना ये कल्प वृक्ष के पिक्चर बना दो। उस समय ब्रह्मा बाबा के पास कितने सेंटर थे? 12, और 300 ब्राह्मण सारे इंडिया में। तो इसने कहा 5,000 बनवा दो। तो उसने तो बना दिए, जापानी प्रिंटिंग प्रेस थी तो बना दिए। तो ब्रह्मा बाबा को पता चला कि ये बच्ची की बुद्धि कितनी दूरदर्शी है, ये आगे का सोचती है, 300 के लिए नहीं लेकिन 5,000। फिर जब बाबा ने देखा इसकी बुद्धि हद की नहीं है, बेहद की है, तो बाबा को ये रियलाइज हुआ कि यही बच्ची आगे चलकर इस संस्था की हेड बनेगी, लीडर बनेगी। मतलब क्वालिटी से जो हम कर्म कर रहे हैं उससे पता चलता है ना हमारा फ्यूचर क्या है। हम कर दें अपने हद में आकर, अपनी इच्छा में आकर, हम ही सुख लेते रहें, लेकिन दूरदर्शी होकर इतने लोगों को सुख मिलेगा, इतने लोगों की सेवा होगी, ये बाबा ने उसके अंदर उसी कर्म से देख लिया था। हाँ, तो जब ब्रह्मा बाबा
अव्यक्त होने लगे थे, तो उसके पहले पूछा, बच्ची आप सारा देखभाल करोगी बाबा के यज्ञ का? दादी ने कहा जैसे बाबा कहेंगे। तो बाबा ने उसको सारा घर दिखाया, क्योंकि बाबा को पता था कि ये आत्मा उस लेवल की है, कर्म इतना अच्छा कर रही है ना। एक बार हमने दादी जी को पूछा कि आपको बाबा क्यों इतना प्यार करता है, दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहा मैं जेलसी नहीं करती हूँ किसी से, कितनी बड़ी बात है, और मैं आज्ञाकारी रहती हूँ बाबा की, आज्ञाकारी, जो बाबा कहे। आज बैठे हैं मधुबन में, बाबा कहेगा जाओ उल्लासनगर जाओ, कहती उल्लासनगर गए, वहाँ एक छोटा सा कमरा था, एक टेबल थी, नीचे टेबल के सोते थे, हैं कोई जगह ही नहीं, लेकिन ना नहीं करते थे, आज्ञाकारी। तो ये इतने गुण हैं जो आत्मा को आगे ले जाते हैं, नियम संयम आज्ञाकारी दूरदर्शिता, ये गुण हैं। तो हम जब सारा दिन कुछ भी कर रहे हैं, हम देखें कि ये गुण मेरे में हैं, तो कभी भी हमारा जो फ्यूचर है वो कम नहीं होगा, बहुत आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने ये दादी के अंदर विशेषताएं देखी। तो दादी तो वहाँ बीज डाल के आई थी ज्ञान का, फिर उसके बाद कुछ सेवाएं चालू हुई, तो फिर धीरे धीरे बढ़ गया। तो अभी तो हैं सेंटर्स टोक्यो में, फुकुयामा एक जगह है हिरोशिमा के पास, और एक कोबे में, ये रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो दूसरे सेंटर्स होते हैं ना, क्लास लोकेशंस कहते हैं, वहाँ पर मुरली चलती है, तो आते हैं जापान के लोग जो हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो एक एक को कोर्स कराने में ही टाइम लग जाता है, और कितने साल हो जाते हैं उनको ब्राह्मण बनने में, वेजिटेरियन खाना, कुकिंग क्लास, सारा सिखाना पड़ता है ना, कैसे बनाना है, क्या करना है। भारत के लिए थोड़ा आसान है, भक्ति से ज्ञान में आ जाओ, वेजिटेरियन तो बहुत लोग होते ही हैं, इतना बदलना नहीं पड़ता। लेकिन भारत में किस बात में बदलना पड़ता है आपको पता है? समाज के रीति रिवाजों में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना, ये रीति रिवाज पकड़ के बैठे हैं, ये समाज ही पकड़ के बैठा है, हिलने नहीं देता है किसी को। लेकिन वहाँ पर समाज की बात नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जीवन को बदलना है उसको समझना, और वो फिर बदल जाते हैं और सेवा भी करते हैं बाबा की। अभी सितंबर में भी एक जो जहाँ बॉम्ब पड़ा था, वहाँ एक आत्मा जिसने सर्वाइव किया बॉम्ब से, तो वो मिलने आई जयंती बहन को और मेरे को, लेकिन उसने यही कहा कि लड़ने झगड़ने से फ़ायदा नहीं है, क्षमा करो, क्योंकि अभी वेपन्स बॉम्ब्स बहुत बन चुके हैं। बाबा कहते हैं ना मुरली में बैठे बैठे ही चले जाएंगे लोग, तो वहाँ पर लोगों को डर तो है। कभी भी इतना ख़राब उसका नुकसान हुआ था ना, अभी तक भी जो पैदा होते हैं लोग रेडिएशन के कारण, उनमें अंतर तो आता है ना। चलो शहर तो बन गया, दीवारें बन गई, घर बन गए, लेकिन जो आत्मा का जिसमें रहना है शरीर में, वो शरीर तो परफेक्ट तो नहीं है। तो इसलिए ना वो वहाँ पर मैसेज देते हैं कि क्षमा रखो अपने दिल में, किसी से कोई बात हो जाए, कोई घृणा कोई द्वेष नहीं करो, नहीं तो आज देखो क्या हुआ पड़ा, देश के देश लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ पर एक ग्रुप है जो बच गए थे लोग बॉम्ब के टाइम, 30 सेकंड में हुआ था ना ये, जो बॉम्ब डाला, ऐसे किया बम ख़त्म। लोग सब्जी काट रहे थे, सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जाने वाले थे, ये सब उस समय मूवमेंट्स चल रहे थे, ऐसे करो ख़त्म, इतना तेज बम एक बार, पहली बार जो बाबा कहते हैं, हैं? और अभी तो कितने बम बन चुके हैं, फटाफट फटाफट आत्माएं शरीर छोड़ के जाएंगी। आप सब डरते तो नहीं हो? नहीं डरते हो? अच्छा सब तैयार हैं, हाँ? बाबा कहते हैं ना कि अपनी तैयारी ये रखनी है, एवर रेडी,
एवर रेडी का मतलब है संपन्न बनना, कुछ भी हो रहा है लेकिन डर से निकलना है, डरना नहीं है, होगा जरूर इस दुनिया में कुछ ना कुछ, लेकिन हमको डर में नहीं जीवन जीना है। शरीर मेरे को भी अनुभव है ना अर्थक्विक का, जापान में 1995 में अर्थक्विक हुआ था 17 जनवरी को सुबह सुबह 6:45 बजे, मैं तैयार होके बैठी, मैंने कहा चलो योग करती हूँ, तो जैसे ही मैंने बटन दबाया उसका टेप रिकॉर्डर का, तो इतनी ज़ोर से अर्थक्विक आया, टेप रिकॉर्डर ऊपर गया है, और जो हीटर पड़ा था, स्नो का टाइम था, बर्फ़ का, वो हीटर भी ऊपर गया है। मैंने कहा ये इससे उससे हो रहा है, ये अर्थक्विक है, मेरा भी पहला अनुभव था। तो हम लोग तो बाबा को याद करके, मैंने कहा बाबा ये बहुत बड़ा अर्थक्विक है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मालूम था कैसे कैसे करना होता है, वो दो ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए, ये दीवार की है ना, इसको कहते हैं ना जो, हाँ नीच के या टेबल के नीचे, तो वहाँ खड़े हो गई। इतनी देर में सोचना चाहिए कि कहाँ जाना है ना, क्योंकि बल्ब गिर सकता है, कांच, ब्रेन को बचाना पड़ता है, मेन बात होती है ब्रेन, तो उसको बचाना है आपको। तो वो ठीक स्थान पे खड़े हो जाओ, तब तक सोच लो और क्या करना है। तो फिर मैं अकेली थी, बाबा की याद में मैंने किया। फिर मैंने कहा बाबा इतना बड़ा अर्थक्विक है, लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं, सब चला जाता है ना। फिर मैंने कहा देखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो हम बाहर गए तो देखा इतने लोग, और सड़कें फटी पड़ी हैं, गैस आ रहा है, स्मेल है, आग लगी हुई है, लोग जो है घबरा रहे हैं, और मैं बाबा को याद करके सारा देख रही हूँ। मैंने कहा बाबा आप हमेशा मुरली में ये कहते हैं, कभी कभी मुरली हम सुन लेते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल कुछ होता है ना तो पता चलता है कि तो सच्ची बात है। तो फिर मैं आई वापस, तो मैंने कहा अभी बाबा मुझे क्या करना है ना, बाबा का संबंध हो ना तो दिल जैसे ठहरा हुआ होता है ना। फिर मैं बाबा की याद में बैठी, मैं तो हमेशा बाबा से पूछती रही, मैंने कहा लोग देख रहे होंगे वर्ल्ड के लोग, लेकिन हमारा तो बाबा ही है, हैं, तो मैं बाबा को याद कर रही थी। तो मैंने कहा बाबा अभी क्या करना है, मेरे को ना 19 जनवरी को फिलीपींस जाना है, मेरे पास टिकट है बाबा, मुझे क्या करना है बता दो। तो इतने में ना एक भाई आया, वो दरवाज़ा खड़काया, उसने कहा बहन जी आपको ना हमारे साथ चलना है, हैं। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा बाबा ने कहा होगा इसको, मैं बाबा से पूछ रही थी, और वो इंडियन थे, वो आते थे प्रोग्राम्स में, हम सब इंडियंस जा रहे हैं दूसरे शहर में जहाँ पर अर्थक्विक नहीं हुआ है, आपको भी ले चलना है, हाँ आप। मैंने कहा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहा नहीं ले चलना है, हम सबको जाना है यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है। पता है उस समय क्या याद रहता है, लाइफ, तो उस समय इतना सामान कुछ नहीं याद आता। तो मैंने एक छोटा सा बैग बनाया, पासपोर्ट डाला, टिकट डाली, एक पानी भी नहीं था, दो दिन बड़ी प्यास लग रही थी, तो उस समय लेकर के बस वही निकले। तो वो निकले तो हम लोग, ये लोग 70 लोग थे, तो सारे कहते हैं अभी हमको मेडिटेशन सिखा है। रात का टाइम 12 बजे, मतलब इतना डर अंदर, इतना चिल्ला रहे हैं ये सभी इंडियंस। तो वो मेरे को कहते तू तो इतना काम है, तुम तो इतना शांति में है, तुमको डर नहीं है क्यों भाई। मैंने कहा देखो मैं तो 16 साल से कह रही हूँ आपको, सीख लो मेडिटेशन, आप आए नहीं सीखने, हैं, टाइम बर्बाद हो गया ना। तो आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन करेंगे, 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, वो आपके अंदर वो प्रकंपन जमा होंगे, और आप करेंगे ही नहीं, प्रकंपन कौन से होंगे, डर में बैठे हैं, डर में रहेंगे सदा। इसलिए आप आधा घंटा भी योग करो, आपके प्रकंपन बनेंगे ना, ये तो प्रैक्टिकल योग है ना, ये भक्ति योग नहीं है, ये आपको फील होगा प्रकंपन। आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, जो भी है, वेस्ट नहीं जा रहा है आपके लाइफ में, वो आपके इकट्ठे होते हैं, और उस समय काम आएंगे ये प्रकंपन, कब, हाँ जब चैलेंज होगा, डेथ लाइफ की बात आ जाती है, उस समय ये वाले प्रकंपन आपको मदद करते हैं, ठीक निर्णय कर सकते हो आप।
नहीं तो डर डर के कारण कंफ्यूज और गलत निर्णय ले लेते हैं, हाँ, और लाइफ ख़त्म। तो इसलिए मैंने देखा हर स्टेप में मैं बाबा से पूछती रही, बाबा अभी क्या करना है मुझे, आप बताओ। बाबा को याद किया ना, बाबा अभी डायरेक्शन क्या है, बच्ची अच्छा चले जाओ इसके साथ, है ना। बाबा को साथ रखना है और बाबा की याद में और जो प्रकंपन इकट्ठे किए हैं वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपको। तो इसलिए योग शाम का भी, मैं तो कहती हूँ शाम का कभी मिस नहीं करो, अमृत वेला भी नहीं मिस करो, और जो मुरली के पहले होता है ना 10 मिनट योग, वो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में जिसके जिसके साथ आपके कुछ कार्मिक अकाउंट यहीं भी होंगे वो भी सेटल होंगे। और दूसरा शाम का योग पता है क्यों करते हैं हम, शाम का इवनिंग योग इसलिए करते हैं क्योंकि देखो मालूम नहीं है 84 जन्मों में हम किन के साथ रहे हैं, व्यापार किया, घर चलाए, संबंधी बनाए, किसी के साथ ऊंचा नीचा बोला होगा, गुस्सा किया होगा, देह अभिमान में बातें की होंगी, हाँ, व्यापार में कुछ किया होगा, कोई भी अकाउंट रह गया है, तो वो शाम के योग में आपके प्रकंपन उस आत्मा को पहुंचेंगे, शांति के वो क्लियर हो जाएंगे। विनाश के टाइम यदि बाहर में कहीं लड़ाई हो रही है, मुस्लिम हिंदू मार रहे हैं एक दूसरे को, आपको डैमेज नहीं होगा, आपके विरोध उनके मन में कुछ वाइब्रेशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने उनकी शाम के योग में प्रकंपन शांति के भेजे हुए, समझ रहे हो। ये राजयोग बहुत ऊंचा है, बहुत एलिवेटेड है, सारी दुनिया को बदलने के लिए है, कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए है, ऐसे हम नहीं बैठ जाते योग में ना, दिल लगा के बाबा को याद करना ताकि प्रकंपन बने, बाबा से मिलते हैं ना ये प्रकंपन, तो वो लेने हैं और देने हैं, हाँ। तो इसलिए ये राजयोग सबसे ऊंचा योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है। तो जिस समय अर्थक्वेक हुआ जापान में, मदद की ना बाबा ने, अच्छे अच्छे विचार दिए, डरी नहीं मैं, उल्टा सेवा, रात के टाइम उनको मैंने योग सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, ये योग वैसा ऐसा नहीं है, ये तो प्रकंपन बनाने का मैंने कहा योग है, 16 साल से हम कह रहे हैं बनाओ, आपने नहीं बनाए हैं। तो इसलिए हम सुस्ती ना करें योग में, बाबा को इतना याद करें कि सारे दिन में कभी भी सारा दिन चिड़चिड़ापन ना आए, चिड़चिड़ापन समझते हैं, हैं, रिएक्शन, छोटी बात में रिएक्शन, छोटी बात में अपसेट हो जाना, मतलब मन की शक्ति नहीं है ना, तो सहन नहीं कर पाते, चेहरा मूड बना लेंगे, हाँ, तो वो प्रकंपन ना आए, हमको प्रकंपन आते रहें बाबा से। तो इसलिए इतने श्रेष्ठ योग को हम सीख रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ फिर कभी आपको मिलते रहेंगे मधुबन में। ओम शांति, आपको मिलके बहुत खुशी हुई।